Hello, this is Sanjay. Welcome you all in my biology tutorial. आज हम पढ़ेंगे PMC के पेड टेस्ट्स. PMC पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल ने जो पेड टेस्ट्स अनाउंस की है उसका बायोलॉजी सेक्शन आज पहला हम करेंगे. आपके लिए ये फ्री है. क्वेश्चन नंबर वन, इफ अ क्रॉस सेक्शन ऑफ सार्कोमेयर इज सीन, ईच मायोसिन इज सराउंडेड बाय हाउ मेनी एक्टिन मॉलिक्यूल. अगर हम सार्कोमेयर के क्रॉस सेक्शन को देखते हैं तो उसके ऊपर एक्टिन मॉलिक्यूल कितने होते हैं. हम सबको पता है कि सार्कोमेयर क्या है, एक कंट्रैक्टाइल यूनिट, और उसके ऊपर कितने एक्टिन मॉलिक्यूल होते हैं. जवाब है 6. इसको आप देख सकते हैं, एक तस्वीर में भी देखें यहाँ पर. तो ये जो थिक फिलामेंट है सेंटर में, ये मायोसिन है, और ये डार्क शॉर्ट थिन फिलामेंट जो है वो एक्टिन फिलामेंट है. तो काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो 6 फिलामेंट होते हैं एक मायोसिन के ऊपर. सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द मॉलिक्यूल इज रिड्यूस्ड, कौन सा मॉलिक्यूल रिड्यूस है. अब ये है कि कौन सा इस वक्त मॉलिक्यूल रिड्यूस है, दैट इज NADPH. ये एक रिड्यूस्ड मॉलिक्यूल है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वन कैन हाइड्रोलाइज द प्रोटीन, दीज कुड बी द प्रोडक्ट. अगर हम प्रोटीन को हाइड्रोलाइज करेंगे, मतलब प्रोटीन को ब्रेक करेंगे, तो उसमें क्या निकलेंगे, डेफिनेटली अमाइनो एसिड निकलेंगे. तो जवाब है हमारा अमाइनो एसिड. इट्स वाज वेरी सिंपल. फोर्थ क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट अबाउट एंजाइम इज इनकरेक्ट, एंजाइम के बारे में कौन सी स्टेटमेंट गलत है. सम ऑफ देम कंसिस्ट सोलली, मतलब कि सिर्फ प्रोटीन के बने होते हैं, विथ नो नॉन प्रोटीन, मतलब कि उसमें नॉन प्रोटीन पार्ट नहीं होते. दे कैटलाइज अ केमिकल रिएक्शन विदाउट बींग यूटिलाइज. अब ये भी है कि वो यूटिलाइज नहीं होते, ये बात सच है, और ये बात सच है कि वो प्रोटीन और उसके साथ नॉन प्रोटीन पार्ट के बने होते हैं. दे विदाउट देयर कोफैक्टर आर कॉल्ड ओपोनजाइम. अगर उनके एंजाइम में से अगर नॉन प्रोटीन बाहर निकाला जाए तो उसको हम एपोनजाइम कहते हैं. ये बात भी सही है, दुरुस्त है. तो इनकरेक्ट कौन सी है बात, एंजाइम के हिसाब से, दैट इज एंजाइम्स आर फाइब्रियस प्रोटीन नेचर. दे एंजाइम जो होते हैं वो ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं. नेक्स्ट है एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज. अब एम्पिरिकल फार्मूला कैसे कहते हैं, सिंपलेस्ट फार्मूला को कहते हैं. तो वो क्या होगा, CHO CH2O. तो फार्मल्डिहाइड या एसिटिक एसिड का भी फार्मूला वही है. तो जवाब होगा बी. हीमोफीलिया इज कॉज्ड इन द एब्सेंस ऑफ. अब हीमोफीलिया एक डिजीज़ है जिसके अंदर ब्लड क्लाटिंग फैक्टर्स मिसिंग होते हैं. अब हीमोफीलिया के 3 किस्म है, A, B, C. अब ए के अंदर जो है क्लाटिंग फैक्टर कौन सा मौजूद होता है, मिसिंग होता है 8, और बी के अंदर 9 होता है. तो यहाँ पे अगर बी का पूछा गया तो आप बी को टिक करेंगे 9. अगर सी का पूछा गया होता तो उसमें जवाब होता 11. तो ये किसी तरह भी आ सकते हैं. अब इस पेड टेस्ट में दिया हुआ है हीमोफीलिया बी का, मे बी इम्तिहानात में ये आ जाए कि हीमोफीलिया ए का क्या है, हीमोफीलिया सी का क्या है, तो आपको वो याद होना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर द कंसंट्रेशन ऑफ सेल बॉडीज. कंसंट्रेशन मतलब ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज ऑफ न्यूरॉन. न्यूरॉन के कंसंट्रेशन को क्या कहते हैं, सिंपल है गेंगलिया. गेंगलिया इज अ ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स. अब नेक्स्ट सवाल है जेनेटिक्स से, अ सर्टन टाइप ऑफ प्लांट इज ओनली टाल. अब ये बोल रहे एक प्लांट है जो कि टाल होते हैं कब, इसमें कंडीशन इन्होंने बता दी ओनली टाल, जब वो हिट्रोजाइगस कंडीशन में होते हैं. अगर दो हिट्रोजाइगस कंडीशन आपस में क्रॉस की जाए तो कितना होगा, डेफिनेटली 50%, क्योंकि हिट्रोजाइगस जब भी हम क्रॉस करेंगे तो उसमें जवाब आएगा क्या आएगा, उसमें जवाब आएगा टी बड़ी आएगी, और दो टी बड़ी टी छोटी, ये दो आएंगी और दो छोटी टी आएंगी होमोजाइगस रिसेसिव. तो 1, 2, 1, इसमें जो हिट्रोजाइगस स्टाल होंगे वो दो होंगे, तो वो ओवरऑल 50% बनाते हैं. लेरिंग्स इज आल्सो कॉल्ड सिंपल है, वॉइस बॉक्स कहते हैं उसे. व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट लाइकली टू अकर इन बॉय ड्यूरिंग प्यूबर्टी. प्यूबर्टी के अंदर कौन सी चीज एट लीस्ट नहीं होती, वो है हेयर टर्न इनटू ग्रे, डीपनिंग ऑफ वॉइस भी होती है, हेयर ग्रो ऑन चेस्ट एंड अंडर आर्म भी होते हैं, वॉइस डीपनिंग होती है, स्पर्म प्रोडक्शन भी होती है. विच ऑफ द फॉलोइंग आर मोटाइल जॉइड, ये सवाल निकला हुआ है फाइलम नाइडेरिया से. तो जॉइड मोटाइल जॉइड कैसे बोलते हैं जो कि मूव कर सके, जिसमें एग्जांपल आ रहा है जेली फिश, तो आएगा जवाब मेड्यूसा.
नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्पाइरल इन शेप। स्पाइरल शेप कौन सी नहीं होती है, सीडोमोनास नहीं होती, विब्रो या स्पाइरल होती है, या हाइपोमाइक्रोबियम भी होती है, फेगोसाइटोसिस, आइटोफेगी एंड सेल्यूलर डाइजेशन आर द एग्जांपल ऑफ, ये लाइसोसोमल डाइजेशन कराते हैं, तो जवाब होगा लाइसोसोम। द स्पेंड ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एडीपी इज रीजनरेटेड, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी बनती है, तो जवाब आएगा हमारा यहाँ पे एटीपी। इन एंजाइमेटिक मैकेनिज्म द सबस्ट्रेट बाइंड टू एंजाइम एक्टिव साइट टू प्रोड्यूस, जब एंजाइम सबस्ट्रेट से बाइंड होगा तो क्या बनेगा, प्रोडक्ट्स बनेंगे। हु केम अप द टर्म सेल, सिंपल सवाल है, सिर्फ इसको नाम या अल्फाज चेंज किए गए हैं कि सेल का नाम किसने दिया था, रॉबर्ट हुक ने दिया था। इफ मोर ऑक्सीजन इज प्रेजेंट, रिबिस्को स्टार्ट बाइंडिंग विथ ऑक्सीजन एंड इन द प्रोसेस नोन एज फोटोरेस्पायरेशन, जब ऑक्सीजन की लेवल प्लांट्स के अंदर बढ़ जाती है तो प्लांट फोटोरेस्पायरेशन करते हैं, जिसमें रिबिस्को ऑक्सीजन से बाइंड करती है इंस्टीड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड से। 18 नंबर, वेयर डज द बैक्टीरियोफेज रिप्लीकेट, जैसे कि बैक्टीरियोफेज कहाँ रिप्लीकेट होता है, अब बैक्टीरियोफेज है तो मतलब बैक्टीरिया के अंदर ही रिप्लीकेट होगा, तो सिंपल है, स्पाइनल कार्ड इज अ पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल से सवाल निकला हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रिप्लोब्लास्ट, ट्रिप्लोब्लास्टिक का कौन सा करेक्टर नहीं है, सिलोमेट, सिडोसिलोमेट या सिलोमेट भी होते, मे भी है तो सही है। दे आर इंक्लूड इन ग्रेडियंट बायलेट्रियन, बायलेट्रियन होते हैं, दे ऑल ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ऑल ऑफ देम हैव, अब सबको नहीं होते, जैसे कि अब प्लेटी एलिमेंथस है, एसकी एलिमेंथ है, इनको क्या नहीं है, निमेटोडा हो या फिर प्लेटी एलिमेंथस हो, इनको ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट है हमारा एनीलिडा से, तो ये जवाब नहीं है। हाउ इज़ द हेपेटाइटिस ए वायरस ट्रांसमिटेड, ये सबसे होता है लेकिन मेन इसका फीसिस है। 12 नंबर, इनर लेयर ऑफ स्पंजी, स्पंजीफाइलम, स्पंजी से सवाल है कि इसके इनर लेयर को क्या कहा जाता है, वो लेयर किस चीज़ की बनी होती है, तो वो किस चीज़ की बनी होती है, वो कोनोडोसाइट्स, कोनासाइट्स की बनी हुई होती है, और लेयर को कोनोड्रम बोलेंगे। यहाँ पे पूछा गया किसकी बनी हुई है, तो हमने जवाब दिया है इसकी नहीं बनी होती, इसकी बनी होती है, सॉरी। 23, कैंसर इज अ मेलिग्नेंट ट्यूमर डेट रिमेन इन, कैंसर एक मेलिग्नेंट ट्यूमर है जो कि स्प्रेड होता है हमारी बॉडी में, तो उसे हम मेलिग्नेंट ट्यूमर कहते हैं, अगर वो स्प्रेड ना हो तो उसे हम बेनिग्न कहेंगे। 24, एन एंजाइम इज सेट टू बी डीनेचर्ड इन द प्रेजेंस ऑफ वेरी हाई टेम्परेचर, जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो एंजाइम डीनेचर हो जाएगा, अगर लो टेम्परेचर होगा तो वो फ्रीज होगा, डीनेचर नहीं होंगे। 25 नंबर, ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कैन नेचुरल सिलेक्शन अकर, नेचुरल सिलेक्शन जीन ग्रुप इंडिविजुअल सब पे होती है, जेनेटिक्स से सवाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रेट्रापोड, ट्रेट्रापोड ह्यूमिंग बर्ड जो है वो ट्रेट्रापोड होते हैं, या ब्लू रिंग्ड ऑक्टोपस, या ऑक्टोपस जो है फाइलम मोलस्का से हैं, ये ट्रेट्रापोड नहीं है। टेरानट्यूला ये क्या है, ये स्पाइडर हैं, ये स्पाइडर इट मीन्स दे आर बिलोंगिंग टू क्लास अराकेनिडा, फाइलम आर्थ्रोपोडा, फ्लैश फ्लाई ये भी इंसेक्ट है, तो जवाब होगा ह्यूमिंग बर्ड। द ऑर्गन दैट प्रोड्यूस रिप्रोडक्टिव सेल, जो ऑर्गन रिप्रोडक्टिव सेल्स पैदा करते हैं उनको गोनेट्स कहते हैं, और उन रिप्रोडक्टिव सेल्स को हम गैमेट्स बोलते हैं। वाट डज NADPH2 प्रोवाइड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के दौरान ये एनर्जाइज्ड इलेक्ट्रॉन देते हैं। Catalysts that increase the rate of biological chemical reaction are called, वो catalyst जो biological chemical reaction को increase करते हैं, as we all know enzymes. Which of the following is evidence of common ancestor, common ancestor, fossil record, vestigial characteristic, morphology, सारे ही मिसाल हैं। What is the ATP molecule used by cell, ATP molecule used by cell, ATP active transport में भी use होती है, muscle contraction में भी होती है, synthesis of कॉम्प्लेक्स सब में होती है, तो डी। इन मालिक्यूल सच एस ग्लाइसिन, अब ये ग्लाइसिन एक अमाइनो एसिड है, उसके अंदर आर ग्रुप कौन सा होगा, तो हाइड्रोजन होता है। ऑल डीएनए वायरस रिप्लीकेट इन न्यूक्लस, अब हमें पता है कि डीएनए वायरस न्यूक्लस में रिप्लीकेट करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे वायरस हैं जो नहीं करते, जैसे कि पॉक्स वायरस,
तो जवाब आएगा सी। व्हाट टाइप ऑफ ब्लास्टेड एड इन पोलिनेशन, पोलिनेशन कैसे बोलते हैं, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। अब इंसेक्ट जो है वो फ्लावर की तरफ आते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि कलरफुल फ्लावर्स होते हैं, रेड ग्रीन येलो डिफरेंट कलर्स के जो फ्लावर्स होते हैं। तो उसके अंदर क्या होता है, फ्लावर के पेटल्स में क्रोमोप्लास्ट कलरफुल प्लास्टेड होते हैं, इसी वजह से वो आते हैं और इसी वजह से उनमें पोलिनेशन होती है। तो जवाब होगा क्रोमोप्लास्ट। इन ह्यूमन फीमेल प्रोड्यूस हाउ मैनी ओसाइट, 2 लाख करती है। मायोग्लोबिन प्रोटीन प्रेजेंट इन मसल ऑफ ह्यूमन बॉडी इज टेश प्रोटीन, टर्शरी प्रोटीन होती है मायोग्लोबिन, वो प्रोटीन होती है जो मसल्स के अंदर होती है। एम लाइन इज अ पार्ट ऑफ साइटोस्केलेटन, दिस स्टेबलाइज्ड सार्कोलेमा। ये एक सवाल है मसल्स कंट्रेक्शन से, जैसे हमने पहले भी पढ़ा था, ये हमारी सार्कोमेयर है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए कि सीधी एक लाइन होती है जिसको यहाँ पे लिखा हुआ है एम लाइन, ये सार्कोमेयर को स्टेबल करती है। व्हाट टाइप ऑफ द फेज इज T2 फेज, अब T2 फेज कौन से होते हैं, डबल स्ट्रैंड DNA फेजेस होते हैं, ये स्पीशीज है। T4 लेमडा फेज, ये जो हमने बैक्टीरियोफेज साइकिल पढ़ी थी उसकी ही एक स्पीशीज है T2, जो डबल स्ट्रैंड DNA फेजेस का जवाब है। यहाँ पे मैंने इसका छोटा सा शॉर्ट इंट्रो भी डाल दिया है, आप पास करके पढ़ सकते हैं। द क्लस्टर ऑफ पाउचेस ओपन फ्रॉम अल्वियुलर डक्ट, अब अल्वियुलर डक्ट सांस की नाली होती है, वहाँ से क्या निकलते हैं, अल्वियोलाई निकलते हैं। गुड। अनलाइक यूकेरियोट्स प्रोकैरियोटिक हैव नो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल, देन हाउ दे प्रोड्यूस एनर्जी, इनके पास एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते, तो ये प्रोकैरियोट जनरेट प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अपनी एनर्जी बनाते हैं। अ डिजीज कॉज्ड बाय लाइसोसोम, अब ये सवाल सेल से निकला हुआ है चैप्टर से। अगर इन लाइसोसोम के अंदर नंबर ऑफ एंजाइम होते हैं, अगर उनमें से कोई ऐसा एक एंजाइम मिस हो जाए तो लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर्स होती है। उसमें से 3 डिसऑर्डर्स हमारे बुक में एग्जांपल के तौर पे दिए गए हैं, और इसमें जो लिपिड कैटाबॉलिज्म कराते हैं, तो इसमें कौन सी है, वो है TSHS डिजीज। और अगर आपको ये नहीं भी आ रहा तो बाकी अगर जो आपको अगर देखेंगे फिनालकेटोन्यूरिया, डाउन सिंड्रोम या क्लिनफेल्टर, ये सारी जेनेटिकल डिसऑर्डर्स है। और ये डाउन सिंड्रोम और क्लिनफेल्टर क्रोमोसोम के डिसऑर्डर की वजह से होती है, और फिनालकेटोन्यूरिया जीन म्यूटेशन से होती है। तो लिहाजा उस हिसाब से भी आप ए ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। विच टाइप ऑफ रिफ्लेक्स आर्क इफेक्ट इनर आर्गन, वो कौन से होते हैं, ऑटोमेटिक रिफ्लेक्स आर्क भी करते हैं इंटरनल को, और सोमेटिक भी करते हैं, जो जवाब आएगा बी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन क्या होता है, एक एक्टिन फिलामेंट होती है, एक्टिन फिलामेंट ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन फिलामेंट होती हैं, एथिन फिलामेंट होती हैं मसल कंट्रेक्शन के दौरान। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये एक थिन फिलामेंट का दिया हुआ है, जिसके अंदर ग्रीन बॉल लाइक स्ट्रक्चर है वो एक्टिन है, और ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ब्लू आपका ट्रोपोमायोसिन है, और उसके बाद एक छोटा सा बीडेड अपीरियंस है वो हमारा ट्रोपोनिन है। ये ट्रोपोनिन 3 जगह से बाइंड करता है, ट्रोपोमायोसिन से, एक्टिन से और कैल्शियम मॉलिक्यूल से। तो इसमें जवाब क्या आएगा हम देखेंगे, बाइंड विद एक्टिन ट्रोपो ऑल ऑफ दिस, ये सबसे बाइंड करेगा। द एनिमल विच इन विच देर आर सेपरेट मेल एंड फीमेल इंडिविजुअल्स आर कॉल्ड, जिसके अंदर अगर सेपरेट अगर हो एनिमल जिसके अंदर सेपरेट हो तो उसे हम यूनिसेक्सुअल कहेंगे, क्योंकि वो एक सेक्स उसके अंदर मौजूद है। फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम अकर ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग, ओवरी के अंदर होती है, यूट्रस के होती है, या डिस्टल पार्ट ऑफ ओविडक्ट या प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ ओविडक्ट, तो डिस्टल पार्ट में फर्टिलाइजेशन होती है। अगर आपके पास कोई भी सवाल आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपका उसको जवाब दूंगा। अगर कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा तो आप मुझे बताएं, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा और अपलोड करूंगा आपकी हेल्प के लिए। मैं आपकी हेल्प के लिए ही यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, ताकि मैं दोस्तों से बातचीत कर सकूँ। 43 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब टोबेको मोज़ेक वायरस, टोबेको मोज़ेक वायरस क्या होता है, DNA वायरस होता है, ठीक हो गया। और उसके बाद सवाल आया, नॉर्मल ह्यूमन ब्लड कितना होता है इंसान के अंदर, वो होता है 19.6। ये हमारे सिलेबस में नहीं, आपको याद रखना पड़ेगा।
व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ ईटीसी इन एनिमल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, नहीं वो तो क्रेब साइकिल में बनता है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एनिमल सेल में बनता ही नहीं है, यूटिलाइज होता है। क्या बनता है? वाटर। जब ऑक्सीजन हाइड्रोजन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलेगी तो वाटर बनेगा। हाउ डू कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर इफेक्ट एंजाइम एक्टिविटी? राइज ए माइकल्स कांस्टेंट। माइकल्स कांस्टेंट क्या है? अलग से छोटा सा टॉपिक है, अगर आप कहेंगे तो इस पर मैं छोटा वीडियो बनाऊंगा। उसके बाद है 47, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्सप्लेन व्हाई वायरस इज ऑनली एबल टू मल्टीप्लाई लिविंग सेल? क्योंकि वायरस डू नॉट पजेस नेसेसरी कंपोनेंट फॉर सेल्फ रिप्लीकेशन, डीएनए इज ऑनली रिप्लीकेट। ठीक है, विच आर द फॉलोइंग सेल स्ट्रक्चर कंटेन द हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ आरएनए? आरएनए किस में ज़्यादा कंसंट्रेशन में होता है? वो है न्यूक्लियोलस। विच आर द फॉलोइंग एक्ट एज ए थर्मो रेगुलेटर इन ब्रेन? वो है हमारा हाइपोथैलेमस। अ कॉमन पॉलीहेड्रल कैप्सिड ऑफ वायरस इज इकोसेहेड्रल। टू सिंथेसाइज 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज हाउ मेनी वी नीड? 17.6 ग्राम। 52, विच द स्टेटमेंट करेक्टली आइडेंटिफाई कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर एंड सबस्टेंस मॉलिक्यूल? तो इसका क्या आएगा? नन ऑफ देम। करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मेल ड्रोसोफिलिया, ये एक छोटा सा टॉपिक है, डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल ड्रोसोफिलिया, वो मैंने एक अलग से छोटा सा टॉपिक बनाया है, अपलोड किया है मेरे चैनल पे। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या डिफरेंस है तो आप वो देख सकते हैं। इसका जवाब है सेक्स कॉम्ब ऑन फ्रंट लेग। जो मेल ड्रोसोफिलिया होते हैं उनके पास सेक्स कॉम्ब होते हैं, जो फीमेल होते हैं उनके पास सेक्स कॉम्ब या ब्रिस्टल फाइबर्स लेग्स पे नहीं होते। नाइडेरिया इज अ करेक्टरिस्टिक बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? कौन सा करेक्टरिस्टिक है? इनके पास सारे करेक्टरिस्टिक हैं, सिलेंट्रॉन भी होता है, टिश्यू लेवल भी, नेमेटोब्लास्ट सेल्स भी होते हैं। एग्जांपल ऑफ होमोलॉगस ऑर्गन इज रिप्रेजेंटेड बाय ह्यूमन आर्म एंड विंग ऑफ बर्ड। आर द होमोलॉगस ऑर्गन ऑन द बेसिस ऑफ पैटर्न अरेंजमेंट कंपोजिशन नॉट द मॉर्फोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक। फैक्टर विच डिक्रीज ऑक्सीजन सेचुरेशन ऑफ हेमोग्लोबिन, कौन सा फैक्टर है? सारे फैक्टर है जो कि उनके सेचुरेशन पे इफेक्ट करते हैं। 57 का क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब इम्पैक्ट ऑफ प्योरीफाइंग सिलेक्शन? ये क्या करता है? इट रिमूव वेरिएशन फ्राम पॉपुलेशन। क्योंकि प्योरीफाई करेंगे तो उसमें कोई ख़ास चीज़ निकालेंगे तो उसमें दूसरी चीज़ सेपरेट करेंगे तो वेरिएशन सेपरेट होगी। व्हाट हैपन इन कंट्रेक्टाइल मसल फाइबर? कंट्रेक्टाइल मसल फाइबर में क्या होगा आप बताएं? एम लाइन वेनिश हो जाती है। द सिंथेसिस ऑफ एटीपी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। डायमीटर ऑफ डीएनए इज मेंटेन बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, साइड में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होते हैं, और न्यूक्लियोटाइड और ग्लूकोज के बीच में ग्लाइकोसाइड बॉन्ड होता है। तो अंदर जो डायमीटर है वो हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से मेंटेन है। ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल बाय द एंजाइम प्रेजेंट यीस्ट। यीस्ट के अंदर कौन से एंजाइम होते हैं जो ग्लूकोज को इथेनॉल में कन्वर्ट करते हैं? एंजाइमेस, इसकी डिस्कवरी में हमने पढ़ा था। रेडियोएक्टिव रेडिएट आर यूज्ड टू डिस्ट्रॉय कैंसरियस सेल्स, क्योंकि आइडेंटिफाई करते हैं ये कैंसरियस सेल, उसके बाद हम उनको रेडिएशन की मदद से रिमूव कर देते हैं। एंजाइम दैट आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ राइबोसोम आर इन्वॉल्व्ड इन द सिंथेसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल? एंजाइम एक इंटीग्रल पार्ट है, वो किससे करेगा? वो प्रोटीन बनाएगा। बाकी लास्ट थ्री है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट इन विच ऑफ द इनवर्टिब्रेट? किन के पास होता है? एनीलिड से स्टार्ट है, तो एनीलिड से एक इनवर्टिब्रेट है, यहाँ से ये स्टार्ट होगा। आर्थ्रोपोड भी इन्वर्टिब्रेट है लेकिन इनके पास ओपन होता है। एव्स जो है वो हमारे बर्ड्स हैं, गैस्ट्रोपोड मोलस्का है। 65, द लॉन्ग अनब्रांच्ड सिलेंडर ट्यूबुलिन प्रोटीन इज कॉल्ड माइक्रोट्यूब्यूल्स, क्योंकि यहाँ पे ट्यूबुलिन प्रोटीन का पता है, ट्यूबुलिन माइक्रोट्यूब्यूल बनाती हैं। द वर्ड आर्कीबैक्टीरिया ड्राइव फ्राम ग्रीक वर्ड विच मीन्स, क्या है? आर्कियो मीन्स एंशंट होता है, तो एंशंट बैक्टीरिया आएगा। तो दैट्स डन। अगर आपको कोई भी सवाल है, कोई समझ में नहीं आ रहा, आप कमेंट्स करें, मैं आपको जवाब दूंगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।